अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टेक्निकल तैयब यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले चंद घंटों से आप लोगों के मोबाइल फोन में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन ही जा रही थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा यूजर परेशान थे, जो कि फाइनली इनके सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। अब आप लोगों के मोबाइल फोन में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन चल रही है। लेकिन एक चीज आप लोगों को बताता चलूं कि अब आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन में एक काम नहीं करना, ताकि आप लोगों के मोबाइल फोन में ये एप्लीकेशन स्मूथली चलती रहे। आप लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हो, जिसकी वजह से अभी भी बाद लोगों के मोबाइल फोन में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की सर्विसेज अभी तक बहाल नहीं हुई। वो गलती कौन सी है जो आगे आप लोगों ने नहीं करनी, ताकि ये एप्लीकेशन आप लोगों के मोबाइल फोन में चलती रहे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसील से आगाह करूंगा। लेकिन वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को मजीद इस तरह के वीडियो मिलती रहे। ज्यादा दोस्तों के मेरे यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि तैयब भाई, हमारे मोबाइल फोन में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन नहीं चल रही। जिसके बाद मैंने रिसर्च की तो पता चला कि ये एप्लीकेशन सिर्फ आप लोगों के मोबाइल फोन में नहीं बंद, ये पूरी दुनिया में ये जो एप्लीकेशन है इनको बंद कर दिया गया था। व्हाट्सएप के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी लिख दिया गया था कि ये सर्विसेज कुछ प्रॉब्लम की वजह से बंद है, बहुत जल्द हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसके बाद आप लोगों के मोबाइल फोन में ये एप्लीकेशन चलती रहेगी। आप लोग जब अपने मोबाइल फोन में बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हो, एक तो आप लोग अपने व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को टाइम पे अपडेट नहीं करते, नंबर दो पे आप लोग जो व्हाट्सएप की ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो आप लोग यूज नहीं करते। आप लोग इधर उधर के लिंक से व्हाट्सएप के एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप जीबी किया होता है, इधर उधर के व्हाट्सएप किए होते हैं, उनकी वजह से आप लोगों का व्हाट्सएप इफेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट, आप लोग ने अपने मोबाइल फोन में मौजूद व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को अपडेट करते रहना है, और आप लोग ने इधर उधर की कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी। आप लोगों के मोबाइल फोन में व्हाट्सएप की एप्लीकेशन स्मूथली चलती रहेगी।